ब्याह अपना सुथरा काम हो गया, मैं तो खाम खा घबरा रहा था। ठीक है सर, घबरावट तो होया ही करे, और फिर रही बात बालक सियाने होया पास ब्याह शादी भी करने पड़िया करे सर, कोद किनारा हो एक और में सोच तो इस बात की ना, आपने तो कितना कर्जा शीर हो गया, तू करता रहेंगे किन्नो कमाओगे ना चाचा। हाँ भाई आ जा। आ गया बैठ से चाचा, चाचा खातर पानी ले दे। ला भाई पी के आ। बे और बता ब्याह ठीक ठाक हो गया? चाचा तेरी दया तो है ना, बहुत सुथरा काम बन गया। हाँ किसे बात की कमी तो नहीं रही होगी भाई? क्या है कि दिक्कत कौन है, सुथरे टाबर आए गए। बहुत बढ़िया बात से पीछे दिल में सर गया था के? सर गया चाचा, तने फालतू ही दिए किमी किमी नुले ब्याह शादी का भाई वो है क्या कडांट लाग गया। अरे कोई बात को नहीं होती भाई, ये तो है करे। चाय बना दीसो ना जी? ना कोनी चाय कोन पीऊं मैं? पी लियो बंदे कर रखी चाय में नहीं बे, कई दिन होली डॉक्टर नाट रहा है तेजाब बनाओ से। आ जानू गुदा में 5-6 दिन हो गए ब्याह ने, ना तो खेत का दवाड़ा है तू, ऊपर तो राम बरसन हो रहा से, और छोरा है वो ना गोदाम पे गया कह दिन होली जो ब्याह शादी वाला ऐसा काम होया भाई इसमें वाले रहे थे भाई इतने बेरा है ना। सुन मेरी बात, दो कारीगर रोड दुकान में रहे वो भी जा रहे थे, और ये छोरा भी तेरा घर में बैठ गया गुजार के डाल तल्ला मारा। बता कितने समेट जाए, कितने सीरिया जाए, कितने रोडी जाए, कितने पत्थर जाए। तो छोरा गाल दूंगा दुकान पे। 5 दिन हो गए मेरे भाई, नू तो देख ले मेरे कहानी भी देख लियो, तारा काम तो हो गया ना फ्राम कि मैं छोई छापरी भी आ रही थी वो नु लिया हमने घर ने छोड़ के, उन कई बुआ आ रही थी उन उस वाला पड़ज में रहे। आजकल खिन्नु कौन डटे से किसी पे टेम से मेरे यार, तड़के आओ छोरी सामने बात जैसे तुम भी उल्टी बात करने लाग रहे से। ना झूठ तो के बोलूं चाचा, फिर डट गई थी वो। चल ठीक से कोई बात नहीं, मनु आया था, अरे वो हिसाब किताब जुड़वा लिए एक बरा की ठीक से ना, पीछे का ही बोधना रहे तेरे में। हाँ रह रहा था तार दे सारे तेरे यार, तार तो देखा मनु को कंधा तू तारा कोनी, लेकिन एक बार देख तो लिए। मैं वही ले आऊंगा उसमें आंख उख बदल दी कुकर के हिसाब किताब, मन तो बेरा कौन है वो तो मैं आपे कर दूंगा, चिंता ना करे तू ठीक से ना। ठीक से हाँ, तेरे गिल्ली के बेईमान ना करूंगा भाई मैं, तू इसी बात करने लाग रहा। ना चाचा हमने सदा तेरे पर पैसे लिए और तो तेरे पर ना लियो रे। और छोरे ने भाई कड़ा करके भेज दिए दुकान पे। चाचा काम तो करना है पड़ेगा, गाल लूंगा क्यों, क्या कौन गाल लूं। नो है भाई 2 लाख रुपये तो इब लिए तेने समझा, और पिछला रह रहा तेरा घना है सौदा, उसमें दिक्कत आ जाएगी फिर एवरे हिसाब किताब कर ले। चल ले मना करा था भाई ले ले चाचा, मड़ी मड़ी के कड़वी थोड़ी है। अरे कड़वी तो कौन भाई, लेकिन डॉक्टर मना कर रखा है ना, तो मनने के चा कोई दूसरा घर से मेरा मेरा घर है थोड़ी थोड़ी है घनी कौन है। चल ठीक से बेटा ठीक से ले। अच्छा तू छोरा उन भेज की एक बार तो खेत कान जाएगी, और भाई फिर वो हिसाब किताब कर लिया कि एक बार चाचा मैं आ जाऊंगा फिर मैं भूल जाऊंगा भाई, इसे काम से मेरा जिस हिसाब से लिए है ना उसी हिसाब से दे देंगे चाचा, चिंता ना करे। यह बात तुमने पहले कह दी, तू के दिन तो नटता है भाई, नटता तो को नहीं, लेकिन हिसाब किताब तो करना पड़ेगा भाई, भाई खाता तो देखना पड़ेगा। तो मां जाऊंगा एक दो बजाऊ जीव घर ने भी कौन पाओ आप है, ये बाप की भी कई से पाओ कई बनू ले उस पंचायत मजा रहा, उस मजा रहा है किन्नू गांव गुआन का काम से भाई, जाना पड़ेगा दुख सुख में के करूँ, सोचना व्यवहार हो रहा है किसे लेना से किसे देना से, ऊपर तो शोरूम वाली टेंशन है, छोरा तो कह दे बाबूजी आप आओ को नहीं, माँ भाई कित किता हूँ मैं। चाचा एक बात है, जो थाए तहसीलिया में भी सुरझे ना होंगे ना, वह तू सुर जाया वो गांव की गांव में। अरे बेटा रहने दे क्यों पेट पते डाव से मने। ना चाचा उनका देखिए रामफल का किसा केस हो गया था, क्या एक और सुरझा था ना, तनी सा सुरझेड़ा करवाया फ्री में ही। अरे बेटा किसे आप बला हो जाए अपना के जैसे, और सुन मेरी बात, मेरा दादा था और उसके बाद मेरा बाप था, तो उन ते अलग राय कि डालूंगा भाई मैं। हाँ या तो सही है सदा तो हम तो भाई लोग काम आए सा भगवान की मौज से उसका आशीर्वाद से। चाचा जी मैं तने पंचायत में बुलाऊ है ना, मार भर गया कौन बुलांदा कोई भी। अरे इसी को बात ना होंगी, थाली आदमी से उन बेरा से फजुल्ला घूम से लेने देने की कमी से कोनी, ध्यान तो बुला ले भाई। चाचा फजुल्ला तो कौन है, घर तक कोई फालतू थोड़ी हो से, सबका भला करे है तने। किन्नू एक बात क्या है रे आदमी सेना, मतलब भाई अपना मुंह तो बटाई करे ने वो कि मैं आदमी ना होंदा। चाचा हिम्मत तेरा का कम हुआ तो देगा पानी मारे, चाचा तेरा तो सारा है काम बढ़ाई करे। अरे ना आज ना जोड़ा कर तू, और छोटे सुन मेरी बात है, वो जो है ना अपने नफे उसके घर में जाके आइए एक बार, ले जाना है नुगे दिए राजवीर तो आने कौन पाओ मेरे काका।
और 5000 भी ले गया था, एक हफ्ता हो लिया है दिए ना ही उसने। ना कोने दिए है, एक हफ्ता हो लिया भाई। और वो मेरा गैर हुआ था, नुले चाचा पैसे दुआ दे, मनु ले तू चल जाता चाचा पैसे नट को ना दे दिए थे तो कोई बात होगी, तू जाके ये एक बार ठीक से ना, मैं चल लो मैं नहीं जाना, मां जा चाचा चिंता ना करे, छोरा ने मिके दिए भाई। ठीक से मैं दुकान पर गाल दूंगा। ठीक से भाई, कोई भी पीछे आओ, पीछे तो मांगनी आवेगा, चाचा का भी कसूर है, चाचा ने तो टाइम पर साथ दी थी पीछे की। गया के दादा? दादा तो गया, कौन दादा था यो? अरे हिसाब किताब की बात कर रहा था बाबू ते। हाँ हिसाब किताब की तो बात करेगा, ये ब्याह में रुपये लिए थे। इस पर रुपये लिए थे? हाँ, और किसके लिए थे रुपये? कितने रुपये लिए थे? ये भी लिए थे 2,00,000 रुपये। अच्छा। हाँ, और वो दादा बताऊँ, इसकी खेती है, बाबू सदा था इसकी खेती करा है, मैं तो जहाँ मस्जिद किसी की देना, और मैं तो इसकी वो दुकान है रोड़ी की, सीमेंट की, सरिये की, उस पर लाग रहा हूँ। फिर नू बताओ, जो 2,00,000 रुपये ले रखे बाबू ने, हाँ वे ऊँ उसने दादन भाईचारा में दे रखे हैं या फिर ब्याज ब्याज पर दे रखे हैं? ब्याज पर दे रखे रुपये तो। अच्छा, अरे यो दादा परिवार में लग है या वैसे ही? ना दूसरे पन्ने का है यो, अपने आड़ थोड़ी ना है। सही को परिवार में होता तो ब्याज ब्याज का तो शायद चक्कर ही ना रहता। ब्याज ब्याज कौन बेरा कितने परसेंट ब्याज पे है? परसेंट की सैकड़ा पे मतलब क्या? ब्याज ब्याज का कौन बेरा ने फसल काट किसके घर ने गिरा में यो बेच दे है और वो रुपये काट ले है, यो कौन सा हिसाब हुआ? कम से कम नू तो बेरा होना चाहिए, अपन कितना रुपया दे लिया, अपना कितना बच गया, कोई हिसाब किताब भी कोनी? क्या खातर ठीक से वह भाई में वहाँ आँख से मंडी रखे से और टेम पा भी रुपये मिल जाए से। ठीक सा तो नू कर्जा किस तरह उतरेगा नू बताओ ने? उतर जाएगा वो हिसाब किताब जो अपनी बही में लिखा है वो थारे पास भी तो होना चाहिए। मारे करना कौन लिखा था बाबू? बहन पढ़ रहा, मैं बहन पढ़ मान है कि मैं करना है कौन? चलो लिखना नहीं आता लेकिन वो एक पर्ची तो दी होगी कदे थार थी ना? मारता है कोई पर्ची पर्ची ना दिया रहा, मारता है तो न्यू बताया कर है इस सीजन के इतने रुपये रह गए। ठीक है, हम तो नहीं जोड़ तोड़ कर लिया। हाँ तो हाँ, फिर एक बात है, आय अच्छा भी ने मांगता ही लग रहा है। हाँ तो मांगेगा, हिसाब किताब क्लियर है कौन? अगला खुद खुद के बनाने लग रहा है। खुद खुद के न्यू किस तरह बना हुआ है? सही आदमी है, कमी कौन क्या? मैं भी वो सही खुद खातर है, थार खातर कौन नहीं बेरा हो तो। अरनू काम कौन चल रहा है? इकाल या होना तो उसकी कह दियो कह रुपये सैकड़े पदे रखे हैं दादा वो बता और कितना हिसाब किताब मारा रह रहा है वो पूरा एक कागज पर लिखवा लियो, मैं देख लूंगी। तुम रहने दे, ओड आदमी था न्यू कही जावे है? ओड आदमी के ओड आदमी थमने नोच नोच के खान लाग रहा वा कौन दिख दी भावड़ी तन नू को हर 6 महीने में रुपये लिखने लाग रही, इसका मतलब तो लेवा लेवा है उतार दत सही को नहीं कापी मत है। फिर एक अब तक तो आई सही था ना, मैं हिसाब किताब का लगा वो तो मैंने बातचीत करते देखे हैं, जब मेरे समझ में आई मैं खाली पूछू कौन बंदा है यो जब मन मेरा पटी बात। कोई बात नहीं, ठीक से अगर कर्जा उतारना है ना अपनी जिंदगी तरीके तक ढंग जीनी है तो हिसाब किताब पूछ लियो कितना के है, पूरी डिटेल लिखवा लियो कॉपी में। मैं उसकी दुकान पर जाऊँ काम करना मैं सारे दिन दुकान पर तो चला सर। सची कितने रुपये सैलरी दे है दुकान पर काम करेगी की तनखा? अच्छा तनखा, तनखा मैंने 5,500 रुपये बस। ईब जागा 9 बजे रहा था 9 बजे थी आकर बढ़ागा ओनली 5,000 रुपये हो और के तो लूट लाग रहा है थम ठहरे बोले और उसे बोल अपन का फायदा ठावा है कि मैं कौन लूट लाग रहे ने? ठीक है उठे बस ये काम लागे रहे वहाँ जी लाग गया रहा है। हाँ जी लाग गया रहा जिंदगी नुए कट जाएगी आग बाड़क चिड़क भी होंगे उन खातर की मैं जोड़ नाग सदा इनके खाते मत भई आ मत उतरे तेरे रहोगे। ठीक सर तुम माँ तो बात कर ले बाबू तो बात कर ली मेरे को समझ मारे ना तेरा पढ़ाई लिखाई। ठीक है बस एक काम कर दियो एक काले जब ये दादा आओ ने इस पर हुई हिसाब किताब अपने कापी पर लिखवा ली एक पर्ची पास तक का कितना हो रहा है ठीक है उसका बाद फिर माँ आप देख लूँ जो करना है। भगवान मेरे को कौन कही जानोट बात बाबू ने कह दिया तुम ठीक है माँ कर लेगी बात मन कहोगे तो मैं कहूँगी। ठीक है तुमने कह दिया ध्यान तो जाइए और ठीक से मन देखना पड़ेगा किस तरह के है नो तो लूट जाऊंगे सदा इनके नौकर बनकर काम करी जाएंगे। हाथ में चूड़ी गला ले मुंडा लग गए और जमींदार के बेटे की भू तुम तो जमींदार के बेटे बहुत ज्यादा देख के एक पैर रखे है। बेटी सुहाग बाग ले कोई खिलवाड़ को नहीं आग रहे जो वैसे न सते तेरा ही तो इतनी गर्मी में मां सुहा वैसे के दर्जन दर्जन चूड़ी पैर लू मैं भी पैर रही हूं मन्नत की थे सांप लड़दा ने बेटा पानी का गिलास ले लिए के कर क्या है के कर क्या खिन्नू के गया था वो तो अपने बचोड़ी मिठाई खा है मौज मारे हमने के चिंता काम की फिर झोलम गलवा लेंदा के झोलम गलवा ले रहने दे सुग ले छोड़ दन ओ
चाह पिया ठंडा बदम तो चाह भी ना पीऊं था उनकी चाह बा गिर तेना के करूं तो लैगी टेगी दी बोला पीनी पड़ेगी अच्छा बोला मारी गई मिठी को नहीं मैं ठीक से भाई फिर चाह पिया के ठंडे छिड़के मार के बेच दिया होगा बेच दिया मैंने कहूँ था कह तो आया मैं उसने तेरा छोरा ना भाई उन्हें बेच दे दिक्कत हो रही है दो नौकर हो पहले जा रहे हैं महा छोरा क्यों निकड़ावा करता बार नहीं वो भाई से कह ही देगा नहीं आया हूँ आदमी होंगे तो समझ जाएंगे और कह दी माँ की भाई भाई मैं सब देख लिए कल ने नूना कह दी भाई मर के लिए बेईमाना कर दिया एक काम और करिए हाँ हिसाब किताब में दाबे रखी उन्हें नहीं तो मेरा कोनी इसे गंदे सब है पढ़ते ही लड़ते बार को लाओगे बड़ी वाली छोल तारूंगा चिंता ना करे मीठा बोलना पड़ेगा बस कड़वा बोल जाए ना काम खराब हो जाए समझ जाए तू मेरी बात वो तो तय बतेरा बोल रहा है मीठा मीठा बोल की इन्हों को यार खास के आदमी ना आदमी ना तो कड़वा मुझे एक मिनट में बैठ जाएगा ना खेत में जाएगा ना वो कराएगा अभी क्या कर लेंगे ठीक से एक मास और बद गया हाँ ठीक से कोई बात नहीं वो अभी काम लाग जाएगी खेत में काम लाग जाएगी ना आड़े कर लेगी अरे रोटी टुका लत्ते धोने और के वो ओड़े के काम से उनके एवर तो भी जाइए ठीक से ना जा के आऊंगी मैं भी 10-20 रुपये 10-20 रुपये मुंह दिखाई दिए ये इस बार ने यार ने कह दिए नु का चौधरी कह रहा था ले आ जाइए घर ने बहू भी थोड़ा बहुत काम करवा दी गया डाके हाँ ठीक से आदत गेरांगे जब पड़ेगी पड़ेगी तू खुद समझदार से अपना आप हैंडल कर लिए सही बात से ठीक से ना ठीक से हाँ रोटी बना ली रोटी तो बना रखी है तेरी ये बात देख कर दी बाबू कह दी बोली रोटी वह ठीक है तो दमकाया हूँ मैं खूब दाम सर खींच की नोले तब तक तो दुकान में कौन सही है दुकान में भाई दार है और कौन सा है अमीने है एक ला दुखी को नहीं पाओगा वो दुख तो पाओगा करूँगे ले बेटा लिया ही पाओ तो गायब करे के जा कह दी घड़ी आ हूँ घर तक लगा जब भी तो अरे वो क्या करे वो तरबूज सगुड़ दा नंडो छोरा बाबू वो वो तो संग्रह संग्रह बैठा है जन तो यो बहु लेके आया से ओ था प्याला कुर्ता काट दिया था पहले बैठा था वो तो काट रखा था और पहले से नया अच्छा बोला माल किसी का खाओ कोई वो सौदा हो रहा से देख हाँ ठीक से ले रोटी ले दे मन तो और खा के रोटी चले जाइए दुकान आ जाऊंगा मैं इधर जाऊंगा फिर मैं दुकान पे ले वाले देखी जागी थे ना वो कह भी दे बाबूजी आओ को नहीं मैं जाऊंगा जा रोटी ले दे फटाफट आप पे संभाल देगी या घर न जाके आओ जब सुना देगी उसकी बहू ने ठीक से ले साफ सूफ लिखा कितना हो रहा है बाबू हाँ भाई अशोक हाँ खेत का जाया था अरे मैं तो जाया तू दुकान पर गया तो कौन जानता मत काल भी गया था अरे जान खातर तैयार हो रहा हूँ गया था हाँ गया था फिर तो बता तो जा रहा है भाई मैं दुकान पर गया था बाबू लेट उठा था फिर ना दो कि चले गए कौन पता नहीं ध्यान रही अच्छा राजवीर भी आया था क्या कहा था मुझे छोड़ो दुकान पर गाल दी मैं गाल दूंगा बाबू कही तो थी आगे एक हफ्ते की छुट्टी लूंगा और एक हफ्ते तो एक दिन पहले चले गए मैं तो भाई से अभी राजे आदमी कौन है एक हफ्ते की छुट्टी मारेगा तो काम तो करना पड़ेगा इतन बेरा है ना 2 लाख तेरे ब्याह में लग गया 2 लाख पहले कर्जा कितने तारांगे भाई तो कमान ला रहे बाबू खेती भी करने लाग रहे हाँ उठ नौकरी भी करने लाग रहे खेती में तो क्या हो किमी ना बनू हाँ भाई आड़ पेलने से खेती में तो आड़ तो पेलने से बाकी भी आराम पर है ज्यादा कि बाजरा और सोचूं था किमी धान भी लगा दे किमी ना हो ऐसा काम हो रहा है भाई और ब्याज लाग ना और ब्याज तो भाई तेरा क्या ना को जान देने घोड़े ने को जान देने मन्ना कौन है मेरा ब्याज ब्याज के हो सब हम देख लो तारा हिसाब से बेरा दी हमने भी कौन है वो चाचा राजवीर की भाई मलिक देश है मैं तो नू ही मान ली हूँ और माननी पड़ेगी भाई अगला पैसे देश है तो वो क्या गलत मान रहा है ठीक है जो हूँ लिए से और जो अपने लिया से वो ही लिख रखे होंगे उनका अरे कर्जा है ना आदमी का खसम हो सर भाई जो कर्जा ही नहीं होना चाहिए उतर जाएगा तो के उतर जाए मतलब नींद को आओ ना रहा ना लिया मैंने तो राजवीर दिखा से खड़ा फिर राजवीर दिखा खड़ा तू दादा ही साहब को नहीं अगर तुम जमाने सोच रहे हो वह तेरे लिए बोड़िया भी कह थी हाँ वह हिसाब की कोई पर्ची पर्ची दिया करके मैं तो बोले कोई पर्ची पर्ची ना दिया अरे मारते हैं हम तो बस ने विश्वास कर रखा अरे पर्ची तो की मैं ले आऊँगा मैं पर्ची तो कौन अटका कर देगा क्या था वो तो बोले भाई आज ये कि मैं लिखाई पढ़ाई हिसाब किताब करूँगा और फिर पर्ची तो जी मांगो ना कि मैं तो मानने को जमो कि मैं जी तो कहूँ उसने ले भाई चाचा ये पैसे ले ले पर्ची में कितने रहे कितने कौन है मैं तो अंगूठा टेक सुन बेरा मतलब क्या कर बेरा है कौन है हाँ मैं तो गणाए पढ़ रहा हूँ ठीक है आखिरी तक स्कूल में जा रहा हूँ भाई लाग लू के भाई अपना यो मत नु सोचो ये कदी म्यास मुझ पाड़ लियो भाई और के करना तो जी पंडा छूटेगा पंडा क्या छूटेगा भैंसी ई ले भैंस ले आई मैं देगा पास वो भैंस में फंसा रही है खेती का हो जाएगा मैं उठे दुकान पर जाए सू टेम को नहीं एक मिनट का भी
टाइम तो भाई देख लगाना पड़ेगा, मैं देखूंगा कोई अद्धा पद ही पागी मोल लेना का तो अपना बहुत सह कौन है। फिर दादा राजवीर ने कह दिया वो दे देगा पाली डाखा हम देगा। हाँ वो नू का देगा ये बाप पाली डाखा हम तेन सभी की दे मेरी छाती ने खाई लो भाई। तो सदा तो कमान तो उठ ला गए हाँ, और किसका जाके जोड़ी फैलावे सारे दाने काली भूसे का आए थे। फिर दाने तो न्यूज है बस बाबू खान खाने के बच्चे हैं और खान के और वो तो शुक्र आदमी ठीक सब आई ना इतना कोई ठेका कौन लेवे ना। आदमी तो ठीक से देख हाल तक बोल भी कौन हाल तक न्यू भी कौन गई है ना अगले और मारी रपी एक न्यू करना और भाई नहीं तो है ना ऐसा काम करना पड़ा मन्ना तो है ना सारी उम्र भर उसे कमाना पड़ेगा हम तो। फिर सारी उम्र भर कमा लेंगे ठीक ठाक तो ना। हाँ कम से कम अरे ठीक तो सर फिर भी दो अन्य अपने तो होने चाहिए ना कि सदा इन थोड़ी उसका लिया ही जावा और खाई जावा। मन्ना कौन बेरा वह त्रिबोड़िया कह थी और मेरी माँ ने न्यू कह दी उसने समझा देगी न्यू बोले मन पर्ची लिया दी रो हिसाब किताब बताओ मैंने मैं करूँगी आगे तो हिसाब किताब। तीव काली ने भाई तू लिया ही ना तेरी वतंखा सारी ओड़े कटवाई कि भाई आड़े काट लिया घर ने लिया हुआ बढ़ते हजार मैं काम चला दिया घर किसी डाल साढ़े पाँच हजार रुपये लिया हम के लिया और के उठे छोड़ के आना साढ़े पाँच छः दे सके और के तो मतलब नो भी ना बेरा होता ना कितने देश है ना जिक्र करा था और दिन से बोले तेरे पाँच हजार थे साढ़े पाँच हजार कर दिए पाँच सौ रुपये बढ़ा दिए बाबू। अरे और तो बयान कई आदमी आए तो दस दस बारह बारह हजार रुपये मिले कई जान तुम कहें बेरा कौन बाबू सारे दिन तो सिमट का कट्टे हम दे ही टूट ले है और रेती समा समा के मैं तो देखिए बुरा हाल हो गया मैं और काम देख लूँगी कि मैं। अच्छा तन बेरा हाल दे सके वो इनकी मैं उसके जीप तो यो है तो रोंग सूँ उसके पैसे उतरे आप बचता पे आज़ाद हो जाए कितने भी कमा ले चाहे बेच सके इतना भाई पैसे ना उतरेंगे नहीं इतना कौन है जा जा या फिर आग लग किसे उठाने पड़े पैसे उसके लेकिन इसके दे दें इतने इतने रुपये कौन इतने कौन देगा इतने कोई को देना है। बाबू तू तो 4 लाख का जिक्र कर रहा है 4 लाख आड़े सपने बिना देख रखे जी बे मैं गाँव में जाऊँगा दिखा एक दो है ना कोई मैं मुझे देखूँगा दगी दिखा पाड़ पोस के ना भाई इस पांडा छुटवाऊँगा दे ठीक सर ठीक सर। और भाई तू चले आ जाइए और कम तक कम नू तो कह दे यार 8 हजार तो कर दे आओ के हज का है भाई उठ बोलन भी कौन दे ना 8 हजार कर दे किसी बात कर रहा है लो मैं ठीक से जाऊँ फिर लेट हो जाऊँ फिर ठीक सर भाई जी का इसका जो दिमाग खराब हो लिया। अरे ओ बावली बूच पहले बार रोड वाली सामने लेने ये तो पाछे भी समझेगी न्यू सोचो था मक लगती कर जाऊंगा सारी इकट्ठी हो जाएगी ये साधन सारे उड़ा देंगे इतनी बचत को इतना नुकसान करवा दिए तू कर दूंगा काका कर देगा कदे छोमा क्यों आए रहा है तू छोमा है काम करे सारे तू मन ने कौन सा छोमा वाला काम कर दिया मेरा बाबू भी जिद्दी गोले मैंने तेरे कल नो को थे पाए बड़े लेंथ गिरवा दिए उसमें ट्राली में तने गिरवाई वो चले गए वो चारों के चारों फिर एक लगन तो ना पड़ी ना वे चले गए और क्वेश्चन कौन बोल ले वो दौर लाए रे भीतर वो चारू चले गए थे दोनों कौन थे और अड़कुड़ था दो तो पहले वह सामने इसने पाछा सामने लिए सामने वहां में अरे वो ये वो कौन ने कह दियो ना कि लाकी करवा देंगे मैं मेरे वे भीतर काम लाग रहे हैं मेरा खाली कोने बैठे मेरा कहा कौन मान दे कौन से न्यू कहे एक लाख कर ले काम है इन्हें एक लाख कितना कर लूंगा का तो मैं लाग जाएंगे लिया मैं न्यू थोड़ी कम हूँ और तम के लिए लाग जाओ काम से काम तो करना ही पड़ेगा वसा मिले अरे मैं भीतर और काम बताऊँ काका न्यू को था तड़का हुआ ईसा वाली पर्ची लिया जो घर तो खेती वाली के मेरी आड़ वाली तनख्वाह तोड़ गाड़ की बता मैं तेरा करना हो रहा हूँ हिसाब इकट्ठा कर दूंगा रे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना मैंने दुर्ग शायद 3000 नहीं हाँ ठीक से कर दूंगा मैं अरे ले जाइए रुपये अरे वसा मिले पर रुपये याद करके दे दियो हाँ ले लिए क्यों बोझ मरे बाल्टी के घनी बड़ी बाल्टी ले ली बड़ी है पे डम पानी गिर का इस ते ना गिरा छोटी बाल्टी और ले ले इस ते दर दू वापिस बस थम गिर रही हूं और बात सुनो मेरी अगले महीने मेरे भाई का ब्याह है फिर मैं क्या करूं क्या करे अगर है बाजार तक कपड़े दीवाल और किम पीसे दे दे पीछे तो हाँ। नानू बेरा दुकान पर ना सामान खत्म हो रहा है बाबू कड़े जा रहे हैं नो बता दे मने बाबू जा रहा राम उतार हर के वो के छोरा के बहू ने जहर पी लिया फिर बाबू के काम छोड़े के काम से ऊ बहू का पीर तो 2-4 गाड़ी भर का आ रही है निरे माने से इकट्ठे हो रहे हैं उड़े तो सपरा पियोगे तो माने से इकट्ठे होंगे डंगर इकट्ठे ना होवे ठीक से छोड़ो उस बात ने तो मन थरता जो कहवा बात याद राखियो
फिर वाह बात मैं मैंने ट्रक मंगवाना था रेती का और बाबू और पी लेने से और नींद वो अशोक वो तनख्वाह बढ़ाने की कैसे कटते बढ़ाऊं तनख्वाह बढ़ाने की क्या है और इनका काम तो तुम दवाने के करो थारी तनख्वाह बढ़ा दो काम तो कौन करा वो ये करने का और फिर उनका है तनख्वाह बढ़ा दे मेरे 7000 रुपये कर दे अच्छा रुपये बढ़ाने की कवे है तो उसका बाबू तो बात कर थर तो ब्याज तो दिया कौन जाता और तेरा बेटा नुका मेरी तनख्वाह बढ़ा दो उसका बाबू तो मैं बात करूँ बाबू भी बात कर क्या होगा हाँ तो बाबू तो क्या है ना 2 लाख रुपये और दे दे बाबू ने मैं तो नाटू था रहने दे मानस काम के कोने बोले ना दे देंगे बस फिर 2 लाख पहले दे रखे हैं पूरे 4 लाख हो गए और जब बाबू चाहो ना तो न ब्याज ब्याज पर काम करो बाबू बेटे दो रहे ठीक से ये बाबू ने कह दू मैं करड़ा करके अरे एक और बात अशोक उनका बोले मैं काम छोड़ दूंगा कह दो मेरी तनख्वाह बता दे नू क्यों कर काम छोड़ देगा थारा मुँह ऊपर न है 10 बार थर तक समझ में को नहीं आ रही बेरा है नू का भाई मारी एक एक पाई चुका दे तेरा काम छोड़ कितना चला जाइए और उनकी इतनी गुंजाइश कौन है बाबू तो करनी पड़ेगी बात मैंने देख लिया ढंग बाबू दे 1000 रुपये फंसा दे है तो माँ तो कहना माँ कहूगी बाबू ने ठीक से घेर ले पानी अरे पत्तन लगी कोई यहाँ मेरा भेजा था इसा केल लग गया इतना ही नहीं पूछा है आड़े बैठे रहोगा और रोटी मन रही से दुकानों कौन जाओगे अरे खा रखी थी रोटी मैंने वो खिन्नू बुला रखा है खिन्नू का क्या करेगा उरे घर उस तो बुझूंगा उसका छोरा कितना बड़ा हो गया बड़ा तो ब्याह पास है बड़ा तो है जैसे नुका है बुला दे तनखा बढ़ा दो क्यों ऊपर तो बड़ा रपिए हम तो देख ले उससे बात करनी है ना तेरा मैं दम को नहीं दम का दे नुको जा रपिए दे दे मेरे और कितने लाग जाए भाई रपिए दे दो जब देंगे ना कितने दे देंगे हाँ बेच के देंगे उनका तो वो काम हो रहा है अगले देने का खक नहीं साहूकारी में शक नहीं वो इन्हें मैं आप कसर काट दू देखती जा तू वहां जाने दे उन्हें समझा ना मेरे दिमाग में जब खराबी हो रही है राम 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 तो ठीक तेरी राम राम बात बताओ ना सामने बेरा भेजा था दर्द हो रहा है अरे पूछा हो रात ने बाट देखी तेरी चाचा तन बेरा डांगा ढोर का काम और खेत का हो गया है काय के बांध रहे हो भाई फिर 2 महीने तो सही चाची फिर 2 महीने तो दूध बेच लियो और अपना काम चला लियो मारनो करी करने के जरूरी है वो बाखड़ी सी से ईसाई दे से घर का काम चल रहा है काट दे दे सुसरिया ने जमन ने बात करने दे हां भाई तेरा छोरा कितना शेर हो गया जी तो क्या बात हुई चाचा वो नुगा तनखा बढ़ा दो ना नौकरी को नहीं करूं किसका करेगा और नौकरी तो चाचा बात तो ठीक का सा 5.5 हजार रुपया के हो है थोड़े हैं 5.5 हजार रुपये तू सार दिन कदे कट्टे रोड़ी करेसर सिरी ठाणे पड़ा कंधे अब निशान पड़ जाए छोरा का थाली बे क्या खास है तुमने तो बहुत बात आने लगी भाई किन्नू तेरा छोरा के ब्याह गया तू तो अफसर बन गया अफसर की बात कौन चाचा कंपनी हम 15-15 हजार रुपये दे हैं तो कंपनी में लुवा दे मारा हिसाब कर दे ना को रुकने की जरूरत को नहीं रहेगी बात मेरे तो नौकरी करेगा ना तो मैं तो इतना ही दूंगा एक चमनी को बढ़ाऊं तो चाचा नू कर ले फेरा और कितने लाग जाएगा सस्ते पैसे दे दे जीना भी चाहो अच्छा 12 रुपये फरी के थे और कितने लाख जगह रुपये इतने रुपये मारे खा गए इतने अगले खा गए और तीसरा का लगा दियो तब ना तो ज्ञान आ गया इस बात में पीछा नहीं नाटा पीछे दे देंगे सुन मेरी बात 4 लाख तो नगद और ऊपर से 1.5 लाख ब्याज हो रहा है कत्ता ही तारा का नू देख ले बे तो जीबे तो कहा हाँ 5.5 में तो कौन उतर तनखा बता दो कि नहीं तनखा बता देंगे ब्याज दे दे मारा बस पूंजी पूंजी रख लेंगे और बोल ब्याज और तो पैसे दे दे रहे बस तो फिर मैं आस मुस कदे भी कंगे जीव दे देंगे ना 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 छोरा ने भेजा कर रोज और इतनी तनखा दूंगा हां नू कर सको दोनों टाइम की रोटी खा लेगा उड़े मेरे घर ने के बात है ब्याज दिया थे दिया सारे काम कर दिए इब रोटी भी दुबर होगी छोरेगी और आड़े कौन पोगा रोटी उस बहू ने भेज दे मारे रोटी टुका कर देगी और थारे किम पीछे कम हो जाएंगे नू के देखने लाए रे भाई ठीक है तरीका की और बॉडी आ जाएगी अपनी रोटी ले जाया करेगी अर्गे नाम राडा मारी बना जाया करेगी इनका एक छोरा कमाओ से 3 पियपड़ खाऊ 2 खोली बांध रखी अडली और रुपये मांगा मारे पास 5.5 हजार रुपये किसे का काम लागो ना 3 मलंग घरे पड़े क्यों भाई ओहो मार के आना चुम्बक से ना पकड़ देंगे ना मारते बहु को नहीं मारे बहु को नहीं आ रही अगिज्जतदार को नहीं हमें ठीक से खींच के ले न्यू को काम दे ये बता दिए तेरा छोड़न समझा दिए भाई आखिरी बार कहूँ ना तो मेरे पीछे दे दे आ जा रे तू क्या सुना जाओ फिर
आ सोल्ट लेगा तेरा बाबू समाधान कर लांगे समाधान तेरा पकड़ लेता तो अनदर से बता दी है दोबारा नहीं बताऊंगा उदन तेरा के हिसाब करवा दिया था सारा लिख दिया था तेरा हाथा के चाचा हिसाब किताब पता हमने बेरा है कोने कि तू लिख दे से वो मान लियो मैं तो वाह भाई वाह खिन्नू बहुत बढ़िया बात एक बात बता दे मैं तो नो भी लिख दूंगा अभी तेरे छोरे की बहू ने भेज दे मेरे घर ना आ जाएगी रोटी बना देगी काम कर देगी भेज देगा तू किसी बात करने लायक है बेशरम आदमी तेरी डंग डंग पे तो मैंने साथ दी है और तू हमने नहीं मान बताओ फिर चाचा मैं किन्नू कहूँ तने कौन साथ दी पैसे तो तन दिए हैं फिर तो हम तो सारे कमावा तेरे जीवू तो रहेंगे भाई कमाओ हो ना तो तेरा घर भी चल रहा है मेरे घर ने बोरी कौन गिर के जाना तेरे हिस्से की तू तेरे घर ने ले जा से ठीक है चाचा कह दूंगा छोरे ने कह दिए आखिरी बार बताऊं तने ठीक है चाचा राम राम ले रखी तेरी राम राम ये होगा बुखार होगा नहीं लागे मन तो बेटा बखत ते दवाई दुई लिया काम तो करना पड़ेगा रपिया तो कौन है कभी किसी दवाई लिया हूँ माँ यह बात भी सच्ची का सब भाई पिलसन भी ना मिल दी न टेम पर वो किधर रहा था किधर रहा था भाई किम बात भी वो चाचा राजवीर कहाँ जा रहा था हैं किम सुनान लग गया भाई किम सुनान लग गया क्या बात होगी क्या गलती होगी तन कई होगी तनखा तुम खा बता दे मुझे तो अमी तने बड्डे हो गए के तनखा मांगोगे 5,500 रुपये देर ना गुजारा होता कौन 5,500 रुपया हम चूल्हा का रसोई का काम कौन चल रहा है कई तो मन भी थी ये वाला कर्जा मांगा सुन नहीं पड़ा है हम उसकी सुन लियो फाड़ के खा जाए मैं उसने बाबू न्यू कह अगर के समा का मोल है काम भी सुना दी सुनूंगा भाई उसकी सुननी तो पड़ेगी अगर खेती दे रखी काम दे रखा हाँ बेटा फिर तू क्यों पीछे बधाने की बात करा था चल रहा सब ठीक सही और जमा देने तक टाल कर देंगे पीछे तो फिर आप क्या करेंगे कड़ा मरा माँ 12-12, 15-15,000 कंपनियां हम ले हैं बाढ़ के 200 रुपये रोज की कौन सो रखी बाबू ने के रुपये बढ़ा दिए 4 जने और सन उनके 2,000 रुपये बढ़ा दिए फिर मेरे तो साढ़े मेहमान ने लिया बता मेरा ही बढ़ा दे थोड़ी मार लंग काले चाव रखे शीश के कौन बताए तो फिर मारा तो के दुश्मनी से वो नु सोचा अक भाई ले कर्जा भी तावड़ा उतर जाएगा दा अपनी रोटड़ी खा लेंगे बताने चाहिए थे उसने और ऊपर तो वा चाची रोशनी तो नो बोली ले धार पर पैसे तो उतर कोन्या धारी बहू ने लगा दे नौकरी मारे रोटी टुका कर दिया करेगी कि मैं छोड़े हो जाए किसे डाल शर्म को नहीं आई सुने या बात कन दिया नहीं है गरीब के बहू बेटिया की इज्जत को नहीं होंगी के गरीब बे होना पाप से अरे गरीब भाई कोई इज्जत को नहीं होंगी अमीरा की हो सकी मैं जी ओ सही इज्जत है करड़ा काम हो गया इन मतो रपिया के हो गया रिश्ते नाते खत्म हो गए दुनिया के हैं थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए मत कही मत चाची मैं तो नए नए बाल सा कुकर गाल दिया भले आम के गैर सा आम के ऊत सा आम फलाना दखड़ा तो मारी बहू के कि मैं फालतू पड़ी सा कड़ा गालन की का मामा दुनिया का मजदूरी करना ए बेबे वो जमींदार का थोड़ा सा कर्जा उठाया था बेटी या गरीबी तो कैंसर तो भी बुढ़ी बीमारी से मु बताओ मने यो कर्जा उतरेगा कि नहीं 4,00,000 तो है नुले 1.5 लाख ब्याज बताओ सब भाई बेटी बेरान के अट्टे पट्टे कर आज मैं तो कौन था हम तो बाबू बेटा सारी उम्र तेरा ही काट दे मार कर जा दू कौन है तेरा बाबू नाल लगाई थी इस जमींदार कर रहन की फिर आड़ लगा दी तो इसका मतलब यो थोड़ी एक सारी उम्र उड़े पीछे जाओगे बेटी के बेरा तो पूरा हिसाब करवाओ ना कितना के लेना देना है नीति भी कही थी मखाई पर्ची में लिखवा के लाओ लेकिन तो आने की मैं देवा अजी पर्ची बनावा कि मैं लिख दे मत मान लियो सु ठीक सर तुम पढ़े लिखे कौन नहीं है वो जिस पर लिख दे उसे पर थारे जच जा से यो ए तो रोड़ा से बेटी अरे बेटी हम तो ना पढ़ सा तो बाबू मेरी पढ़ी तो... लिखी मेरे ती दिखाओ ले के मैं देखूंगी बाबू या बात भी तो या सही कह है हां बेटा सारी जिंदगी का फायदा ठान लाग रही है मावे इस बात ने समझो तुम नु तो सदा ही ने की मजदूरी करते रहवांगे हे बेटी पढ़ांगे आपा टुका के भी सस्से हो रहे सा काम भी करा सा दे ही भी टूट ले से और सुना भी सा बिना काम की बात हर और तोर मेरे दास दर्द होया से उसने बहू के बारे में न्यू कही मारा नौकरी करना आ जाएगी क्यों कर लेगी नौकरी मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी कहीं इतनी हाँ मेरी बेटी कर दिया आंडूंगी मेरी बेटी उनका दयाड़ी करेगी नाना तो मेरा भी होया सा मेरी पाद और धरती रिगड़ गई जीवन को हमारे टावरा ने सही बात है हम तो कमावा है सब दिन रात है फिर बाबू और कौन सा कौन बोलिया गया उन्होंने और कौन सा बोला था भाई दोनों लोग लुगाई भाई अपना सोचा है कौन है किसी की जितना बाबू ही तो बोल जाओ ना जब वो बात कह दियो कह दियो आज तक हमारा सारा हिसाब किताब कर दियो हमने भी तो बेरा पटे ठीक का सब बहू पढ़ी लिखी से के बेरा या हिसाब किताब जोड़ेगी जोड़ूंगी माँ और तो
सोल गल जा। जब मेरा उंदी आनी भी हो काम होते रहा यार, तो फिर मेरा फायदा के पढ़े लिखे का? नो दीप कई अपनी म्याद भी की है, अपन जी तो दिए है और भी रह रहे 20-25 हजार रुपए इकट्ठे दिए, काटड़ा भी क्या जीव दिए। वो बतावेगा उसके रह रहे क्योंकि उसके रुपए बणन लाग रहे हैं और ननू बेरा है अनपढ़ सा भाई, फसल होगा उसे बड़ मान लेंगे। फसल मत ल्यावा के मां खान खान के दाने और वो तोड़ी तपड़ भी उन ताई दे दे। हां के मैं कौन लेन देना है हर फिर सारी मेहनत की कमाई तो उनका घर चल रहे, या बात समझ लो तुम। देख ले लोगों का दया ना होंदी है, कमावा हम कितने दया धर्म को नहीं कह दो बेटी। ठीक है अपनी मेहनत तुमका घर चल रहा है सही बेटी, अनपढ़ आदमी है। कितने रुपए खतर कर सायो कौन सा मतलब होया आज मैं देख रहे हो काम में बेटा। तू तो जागा तेरे तो शरणांगे और तू न्यू काम कर नो कह दिए जी महाराज जो की मैं हिसाब किताब से ना वो कट्ठा है जोड़ की बता दे। एक चीज का हिसाब किताब कद हम ना दिए कद त न लिए मार पे सारी चीज लिखवा लेगी बाबू। अरे के बोन बाण में लाग गया से और के इसमें हिसाब करा साखरी मदाने लिखना सब सारा लिखवा ले उस पर लिखवा लेऊंगा तो सारा खर्चा एक एक चीज में लिखवा लेगी। ले मैं चाह बना दूं के थर खतर। हां बेटी बना ले थोड़ी सी चाह। हम तो उसकी इतनी इज्जत कराड़ा हो जी ले चाचा बैठ जा मुड्डा ले ले चाह पी ले। वो तो गरीब भाई चाह भी ना पींदा। फिर कोई बात ना बाबू, फिर बड़ा आदमी से कौन बैठना पसंद करा अगला, ये कोई बात होई। मैं फिर भी इंसान तो साम है नु सो डांगर सा भाई ना इंसान करे। हां गरीबी के कीड़े हो लिया भाई। ठीक का सा बेटा, गरीब की तो बस कीड़िया जितनी है वेलू रही से कोई वेलू को ना उन्ना क्या है सारा ना चाहिए गरीबा ने उन्ना के बढ़िया खान पहन ना चाहिए। पर कौन जाना है इन बातन बाबू सारे ना चारों के चारों में दूर चले जा 6 बजे और मैं 8:30 बजे दुकान बढ़ा के ने सारा सामान भीतर घेर के ने जी दाऊ एक लाख बेटा पैसा गया थे और इसे ना तू भी उन तो पहले आवे मजबूरी से उनका मजबूरी पर्वत भारी हो से। ठीक है कोई ना कदे ना कदे अपने भी सीधे आऊंगे मेरी रोटी कदे ना ल्याऊं वे उन चार मजदूर आई रोटी ल्याऊं है मैं तो बस दोपहर भूखा रह लूं। बेटा जी सा ना अपना कि मैं अल्लाह सुखा लासी पानी की दलिया की मिले ना बेटा खा जाया कर की थोड़ी ले जाया करो के बना आज पास दो रोटी बासी बांध दिया करूंगी कम तक कम भूखा तो ना रहेगा। अब लासी दूसरी अपना ले जाया बेटा और कि मैं खा खाद कमा होगा ना कितना होगा खान ना सह की। ठीक से बाबू मैं भी जाऊँ दुकान पर नौका काम फिर छो होगा जमाने आरा चढ़ा दे फिर तो चल जाता सो भाई जहाँ तो पड़ेगा काम तो करी सरेगा। मैं पानी पिया दूँ के तन पिया दिया मैं आसाना ना बस ये पानी ये प्यान खातर आई थी फिर तुम्हारे बैठे दिख गए माँ आगी दिखा देना। मैं दिखा दी मतलब ठीक से था अरे भीतर न बांध दिए सुना के क्या बढ़ रही है हाड़ हाँ। कोनी सिलारी को पंखा तो लग रहा कोनी गर्मी में चक्कर आ जाएगा बाहर रह अगर बाहर न खड़ा बैठो ही बाबू बैठे हाड़ फिर मैं दुकान पर जाऊँ रोटी तन बनाई ना आऊँगी भाई बना रखी मैंने फिर लेट हो रोटियां छोड़ो मैंने कुंती बाबू के बोले बाबू के बोले था बोले भाई ये तो कमाना पड़ेगा रुपये तारने पड़ेंगे। क्यों कमाना पड़ेगा घर कद लग तारोगे नू रुपये दी जाओगे तो सदा को नहीं उतरे तो बात सुना हम तो कह के यार लिए मन न्यू लागा है बाबू एक दो तू ही कह गए ना जिते हिम्मत बनाई बाबू की यार मैं मन तो धरती भी कह ली थी मान ली मेरी बात मन तो उस दिन भी कही थी मगर पर्ची में लिखवा लिया मेरा फट जाएगा सारा हिसाब किताब का मैं तो चला जाऊंगा और पर्ची मन ने के बनाई दे देंगे मैं तो टबरे बाजूंगा और तन्नू बेरा से उनका तो बड़ा मोटा काम से बेरा कौन के लिखे पाऊं ना मोटा काम जबान खोलोगे ना या जबान बोलन खातर दे रखी सच बोलना चाहिए हमेशा तो उठ जाकर बात करो। ठीक है अरे थर पर नहीं करी जाती है तो मैं जाऊं ना तू रहन दे फिर मैं जानती अच्छी लगूंगी वाह ये तो बात है तू जानती अच्छी कौन लगे एक काम कर मैं दिन मैंने उससे बात करूंगा का काम इनते आके मारा वो घराला हिसाब भी कर दे सारा जितना है और ये दुकान वाला भी कर दे तो हिसाब करवा लोगे तो फायदा में रह जाओगे ना सदा इनकी मजदूरी करते रह जाओगे और नहीं मिलना कि में मन न्यू बेरा या बात कही ना हर वो मैंने दुकान पर तो काट देंगे खेती में देखी जाके काट देंगे और काम मैं पक्की बात बताऊँ कि मैं इनकी मैं उससे का नहीं अपने लिए कट देंगे आप नहीं देने होंगे उनका 4 लाख रुपये मांगे हैं 8.5 लाख बाबू ब्याज के बताओ था ना ना हिसाब होगा ना जब क्लियर होगा सबके में जब लिकड़ का होगा ये रुपये हो गए 50,000 गाठ 6 लाख हाँ हाँ इतने रुपये हो गए इतने रुपये एकदम तो कर दिया सारी बात का नहीं छोड़ उस पर्ची में आ जाएगा वो लिखवा लिया उन्हें एक बार बेरा तो पटा है। ठीक है तो तू क्यों तेज तेज बोल रहा है लिखवा लिया मैं। ठीक से चलो मैं रोटी लेकर आऊंगी रहने दे मैं लेट हो जाऊंगा ये कौन खाऊंगा शाम ने आके खा लूंगा। ठीक से तो ठीक है सुअर पर किससे खाते ढाली बाबू तने अरे किन्नू का खाता है बना के दियो हूं देखा तो उनकी आंख खुल जाएंगी गद गद के केले रखे हार के दे रखे है उनने क्या जरूरत पड़गी भाई नो बोला मेरी पर्ची बना दे सारे हिसाब की कितने दे रखे कितने ले रखे हैं ये देख ले।
सारा बना दिया उसका हिसाब किताब मैंने। और वो 2.5 लाख रुपए दिए थे लिख दिए? सारे लिख दिए मैंने, जो उसके आ रहे हैं वो भी लिख दिए, और जो हमारा ब्याज बना है महीने के लिए वो भी जोड़ दिया। उसकी तनख्वाह क्यों घटाए थे? थोड़ी बहुत घटा दे और वो बढ़ाने की क्या तू रुपये घटा दे? घटा दे ठीक रहेगा, बढ़ाए तो क्या फायदा होगा अपने? क्या लग रहा बाबू भाई, हिसाब करो किन्नू का। किन्नू का हिसाब करो? हाँ फिर इस तरीके की हिसाब करो बाबू दामी। तो और कौन सा तरीका होगा भाई? बाबू ये हिसाब होया करेंगे, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज लगा रखा, किम तो शर्म कर ले। हाँ भाई बाबू, मारी बिल्ली और हमने मैं हूँ। क्या बात है, केला की गड़बड़े तो ना सामने बाबू? गड़बड़ सारी से न्यू गायर, कोई किसी ने बेरा नहीं होने, और कोई नहीं देखता हो ऊपर, भगवान तो देखे से देखने दे भगवान ने। घनी बड़ी बात करने लगे ना, जब नुमन थी इन लोगों ने तो आदर से बना कर पाओ। ये 10 लाख की गाड़ी चल रही न्यू, कौन चलती है ये गाड़ी? ढवंदी बार कौन लगाऊ बाबू, न्यू गायर बेईमान का घोड़ा मैदान में डूबिया करे। उसका जो छोरा उसकी तिनख्या है कौन कटा रखी था हमने? बीच बीच में मांग दे ले जाओ, दादी बार तो मैं लिखू को नहीं, 100 दिए 200 दिए, मैं गरीब आदमी से बाबू इतना अत्याचार तो अंग्रेजा ने भी कौन करे अपने जो तो हम कर रहे। सो तू बाबू समझाओ आगे है? तेरी भाषा तेरे दौर रख, जितना इतना काम है ना उठता ही कर ना। आया है ना 10-20 दिन इस पे ले ले गया ना, तना नहीं बेरा से सारे यहाँ छाती सड़े जावे। आज नून दी, आज मिर्च दी, आज गिवा पीपा दिए, बड़द की डाल कमाऊं भी पूरे। ओहो काला बड़ दे वो से ले रे आमीन, वो आओ छोरा उसका दे दिए हिसाब किताब न्यू करे। हाँ इस छोरा ली तनखा उड़ा पूछा दिया करे। हाँ गणाधर महात्मा बनाया राजा हरिश्चंद्र की लाज गुम तू। हरिचंद्र ने तो छोटो आर फेर नहीं, 5,500 रुपया बाबू के आओ से 600 रुपया तो मजदूर का हो रहा है आज। ठीक है बाबू तू कर ले, इसके बाद मैं जाऊँ भाई। हमने देखना है के ना और के नहीं आओ से, तू अपना काम तो सीमित रहे बस। अरे ज्ञान ना दिया कर 10-20 दिन आओ ने, अपने मौज करा कर खा पिया कर, अपने यार दोस्त हम घूमया कर। हिसाब कर दिया ने? कर दिया मैंने, पर्ची दे दी काम का नया। ये बैंक वाला आया है मेरे दौरे, इसमें 2,000 खाते हैं तेरे दादा की टेम की भाई है, टेकिस नोट है। तो दादा इतना गलत कौन करया करता दादा का टेम का से? तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? उधर रखे सरासर दिखल रहा है, मैंने गलत कर रखे से। स्वामी क्यों बोल रहा है तेरे बाबू का तू? मां से भी कौन बोलता और कसर भी कौन रही? हिसाब की बात बताऊं छु, इसका मतलब तू बड़ा हो गया तेरा बाबू छोटा हो गया भाई। करे से भाई इतना कारोबार कर रखे ने, नोई को नहीं हो रहे हो दिमाग बना चल रहे हो काम कर देगा इसने भाई नहीं वे। हां हम ना कोई अनाथालय आश्रम कौन खोल रखे बात बड़ी बड़ी पढ़ लिख के अफसर बन गया। दान पुण्य करे ने वो आएगा तेरे लिए किम भला हो जा। तो दानी नू करे इस गेम वाला कमरा का ताला खोल दे, अरुण ना बांट दे जितनी बोरी भरी जाएगी वो भर लेगी दानी भाई। तो कौन भरे बाप, मन जो हिसाब का वो तो करना चाहिए। हिसाब का करे यार, कौन सा बेहिसाब कर दिया? बेहिसाब करो इन्हें तो सारा कौन बाप उसका खड़े पाओ मेरे घर में। उनका तो काला अक्षर भैंस बराबर से बाबू मैं देखने ला रहा भाई, तू क्यों प्राण दे मेरी बात ने, बड़ा अफसर हो गया नहीं पे। अरे तू न्यू बता उनका जाम रहा सा है अक मारा जाम रहा सा है, तू उनकी तरफ बोलना गया तने न्यू कौन दिख दा अगर भाई यो काले कागज करस है तो के झूठे करस है। मत जान तो तेरा रहा सू मन इंसान है, हिसाब की बात करनी चाहिए। ओके ना हम तो इंसान है कोनी, तू मेरा है कि तू तेरी बार रहो ना अपनी तनख्वाह ही सीमित रहा, अगर हमने ना तेरी चवन्नी चाहिए और ना मारी चवन्नी में बिना काम दखल अंदाजी करा आप कर लेगा हिसाब रोटी खा लेगा तो मेरी ऑफिसर लाइन में किसी से गलत करता कोई नहीं। और तो फिर क्या झंडे काट रहा है? तो हमने कौन सा गलत कर दिया तू बता, कौन सा गलत करे है? ब्याज दुनिया ले है तो मेरे ऑफिसर में सोमवीर सोमवीर हो रही है भाई। बैंक से गलत कोई नहीं, बैंक तो लोन ले रखा है ना उस गाय के रुपया ब्याज लागे चक्रवर्ती ब्याज लाओ बैंक वाले। छोरा गम देख क्यों भाई खाते खोल मन्ने के भरा यो आ जाएगा चल की तन्ना भी जक को नहीं पड़े जक को नहीं पड़े मैं तो सार कर की दूंगा अगला पर्ची मंगा रहा किला पर्ची 4 दिन में ही चला जाएगा उसका पाछा को नहीं कर दे भोकता रहेगा इसकी बात मैं कितने को मानू कि नहीं सुनगी। हां आया हाड़ ईमानदार बोल यो बेटा यो कि मैं बोल रहा को नहीं इसका गए ना साहब करूं सारा का मेरा ने समझ में क्या आ रही है। डटिए 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 की चल लिया काका इसने पाड़ की आग बाल लूंगा मेरे लिए उठी भर लियो और तार लाओ कहीं भर लियो
इसने तो दर्दे ठागे साइड में ठीक से। अरे काम कर ले, आंधे हो कपिन लग गया तू। वो देख 30 कट्टे तो ट्रैक्टर में गाल के आया हूँ और मैं 100 फुट क्रेशर गाल दिया। मैंने सोचा एक बार एक ओक्टी पी की ना और फिर लाग जाऊँ क्रेशर। थोड़ी बार हम पी लिए एक ट्राली और लाग रही है 100 कट्टे उसमें भी गालने हैं तो 100 कट्टे एक मड़ा सा नहीं है मड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी एक ओक्टी पीने का। कम लगाए थे ना कॉम्प्लेन है समझा को नहीं बात ना तो बड़ा बहुत आराम तो मिल जाएगा इसका सारा ले या पर्ची पकड़ तेरी मन्ना के पढ़ना होगा का तो ना पर्ची मांगी थी दे दी ने और सुने गाड़ी आवाज सट रहे उसकी सीमेंट के कट्टे ही वह तार के फेर जाइए ठीक से। हाँ मैं ना उन्होंने भी कह दिया कब उठवा देंगे। हाँ कह दूंगा कि लला आ जाएंगे तेरे ठीक से। ठीक से आइए अंदर दे और ऊपर कट्टे गाल ट्रॉली में जा आगे तो बाढ़ दूँ। हाँ बाढ़ दे देना ट्रॉली में कट्टे गाल दिए ठीक से आम कर किराज जी कौन जमा है क्यों कर उतरा गायो कर जा कमा कमा मर गए घर में नून मर्च के भी सासे कर दे से पीछे मांगा जी बेशर नाम से। माँ चिंता ना करे एक बाबा आ जाए वो हिसाब किताब लेकर फिर देखेंगे। हाँ बेटी मारा अग्गा तो काला अक्षर बस बराबर से हमने तेन बेरा को नहीं की करें सर की ना करें सर आएगी दिन तो माटी में माटी हो लिए माँ ये मेरी बारी से माप संभाल लूँ सारी चीज़ जानू ठीक से घबराओ ना तो की करें बेटी घबराओ ना तो कभी मन का पैरण दिया ना कदे खान दिया बस माँ मांगा सा हम मांगा सा हर उनका डर बैठे रहे वो न्यारा सारी उनका फायदा उठा गए माँ ये और की मैं नहीं बात। हाँ बेटा बैठ जा क्यों खड़ी होली बैठ जा बेटा सीधा माथा बोल ले भी के कौन मेरा के लिख से मार रखी हाँ बेटी के लिख रखा से माँ इन तो 4 लाख रुपया के 7 लाख बना रखे हैं ब्याज का भी ब्याज लगा रखे हैं ये कोई मतलब थोड़ी है 4 लाख के 7 लाख हाय बेटी मारे तो पर पोत्या तो भाई ना उतरें ये पीछे इसमें ना सब की मेनू तो लिख तो रखा है कितने लिए कोड़ पर कितने दे रखे हैं एक वो महीने सारा हिसाब किताब देख लूंगी यार फिर मेरा पट्टागा तो न्यू देख लेना वो जो दाने दूने दे रखे हैं वो फसल दे रखी वो लिख रखी है हाँ तो ये सारा जोड़ जाड़ करूंगी जब भी तो लिकट का होगा। हाँ तो जोड़ लिए बेटी दाने तो हमने तो खान खान जोगे दिया करया कर दे और सारी फसल ना अपना घर ने ले जाया करता वो फिर के बचा पाछे ने सारा दिन बिरुन होई रहो गाम में कि मैं मिला बेटी के बेरा के बाग में लिखवा क्या रहे सना पुत्ता और आ क्या राम की कमाई खानी है खून पी की गेर दिया इसने तो मारा कति। अरे भी वो ब्याज भी काटांगे ना जब अपने एक में बचे पाऊंगे वो अपाए मांग दे होंगे उसके तो देख लिए एक बार हम ना मैं एक एक चीज का हिसाब करूंगी और फिर बताऊंगी थमने फिर जाकर ना पर्ची उसको माथा मारियो जब मैं दूसरी पर्ची बनाऊंगी जोड़ के ना और दाऊ दिमाग तय कदे उठ जाएगी बेइज्जती हो जा ना ना ऐसा काम हो को नहीं हाँ। यो तो साफे दिखन लाग रहे इसमें मारियोड़ के तो कर रखी है यो मारियोड़ के तो वही ये मकोड़े से मोड़ रखे हमने नहीं बेरा कहीं कभी हाँ। मन ने बेरा ने हर बेटी हम इन तो ऊपर तो दसड़ की ओर दिया करता गेड़ा गल तेरा छोरा नौकरी से हटा दूंगा फिर के हिसाब लगा लो ना माथा में फसल कितनी कुठा अपने फसल तो घणी आवे है घणी उठे है अरे से कितने कुश्ती नोट देने पड़े हैं वो तो सब क्या है अपना दोहरा जपतले है नुहे कर से हर फसल कटाई काटे मावा जी पानी भी ना पीने दे घर में सारा काम अपना भर गया ना 6 महीने में कोई रुपया नाज दाना देखने मिला है वो है उसका पूछ दा हाँ बाकी दिन इतना फिर और कर्जा चढ़ जाए है क्या फायदा उस चीज का। हाँ न्यूका का बाणिया कथा लिया मेरा नाम ले दियो हर फिर बाणिया कथम रुपया ले आओगे 100 की चीज और वो लिखी पाओगा 500 नुनू कर का तो ब्याज का ब्याज लगा दिया उसने नुए बनी से बेटी मार के ली कोई ना तुम चिंता ना करो मैं जाके एक बार देखू इसमें सब की में। हाँ बेटी कर ले वो कुकर जो उड़ागी के करेगी ये बेटा ये बहू ये चोखा सियाणी आ गई जी जावांगे कोई दिन ना जिंदगी खराब हो जाए अपनी तसे कमा कमा मर जावा बेटा बेचती के एक दिन तो मुँह खोलना ही पड़ेगा और एक दिन तो सहमी हो ही सरागा नुके काम चल रहा सर आगे बालक भी होंगे पोता पोती भी होंगे मारे मुन का भी किमी करांगे पढ़ाई का लिखाई का किम दी क्यों ना भाई किम लिख लिख खोले मांड के दिया दिया वोट बड़ा पर्चा वो दिया है लिख के उसमें तो गणे अक्षर लिख रखे हैं
सारा देखूंगी जो वो तूड़ी तप्पा का सब गए का हिसाब करूंगी बोलिया दो आंख पढ़ लिया ना ये दिन ना देखने पड़ा ये पढ़े को जिबे तो हो गए गरीबी ने कौन पढ़ने दिए भाई माटी मार रुला दिए कमा कमा डाकी का धरी गई ले भी सीधे दिन दे दिए मार ली करना तो भी अच्छा से मैं तो सतीश दौर गया था दिल्ली रह सन ओनू कहा भाई ओनू तो कर्जा उतरा कौन दरा आधे पदे पैसे दे दूंगा और छोरे की उड़े रेडी लगवा दिया छोले भटूरे की नरी कमाई से दिल्ली में ठीक से बाबू धंधा के छोटा बड्डा होता कर लूंगा मैं तो और किम सीख भी लूंगा अरे मौज हो जाएगी भाई क्यों सीख लेगा तो और सतीश तो अच्छा आदमी से जीव कस है ना कौन किस ना कस है भाई और ना तो इस दल दल तो लकड़ जावांगी और के मां लो के लकड़ ढोडो कि मैं तो देखिए रंग भी गटर बरगा हो गया जमा तो इस दल दल में 15 साल का गाल लिया था यो उबरन दे सके वो दल दल है बाबू 150 कट्टे एक एक घंटे में मानू कोसू बस ठीक से बेटा भला हो सतीश का जो उसने मार खातर इतनी अच्छी सोची से है आज जाके अर करके ये बात उसने मैं तो आ कर आया बस तो ठीक करे पर फिर पैसे भी तो देश है नो तो देख है आज के टाइम पर कौन किसी ने ठन्नी देश है कराची दिल्ली देख लेगा मन तो आज ही देखी कौन सा देव सर भी ठीक से वहां वा चा बनवा दियो भाई सब सब जोड़ा है इतना हाँ। बनवा दे भाई पी लेंगे मैं भी खेत में दियो आया सर के करो तो नो क्या करो सयाना यो रास्ता बंद करो सना मालिक एक तो चार जरूर खोलो से देख आपा कितने दुख पा गए कमा कमा के तो अपने बहु ने दे दी भगवान ने पढ़ी लिखी तो ये रास्ता है खुलिया सा अपनी खातिर और बिना अपना अपना पेट की सोच से इसने दुनिया की पेट की सोच से ठीक का से जीण का रास्ता तो हो गया ही बग न्यू तो आस होगी अब और कोई साल जी लेंगे ना नो ही मर जाऊं आरिश का खेती कर करके ना इसने तो गरीब आ खून चूसा से और इसको इनके एक रहा राजवीर ने पीसा वेरा ने इन रिश्ते नाते ने क्यों खत्म कर दे से समझ में ना आंदी है अरे इंसानियत खत्म होगी हमें के आदमी को न्या मेरा बेटा के आदमी को न्या सारा दिन उनका ढो ही जाइए बजरी पत्थर सब किमी है पैसा ना इंसान कौन दे दे पीछे पीछे दिखा सा एक घर से ऊपर सबका कितना है साहूकार और कितना है गरीब हो पर यह दुनिया सोच दी को नहीं हो भूल का थप्पड़ से अख हाँ मारा पीछे से सारे ऐसा आराम से इन आदमी हम आदमी ना गिना ऊपर जाएंगे ना जी हिसाब किताब होगा और लाइन में लग देंगे जी पटका बेरा वा सुनी थी के बोले धर्म राज की कचेड़ी में अंधेरा को न्याय ये मन बुझण आई तन के बेरा को न्याय अरे यो तो ठीक सो पर धर्मराज तो ठीक से यो राजवीर सन है यो धर्मराज है इस तरह मरा पंडा छुट गया अरे थानेदारी कर लेगा पट्टा का बेरा जी सोट लग गए उड़े मार लिख के कौन के किधर आ गया भाभी राम 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 प्रीतम राम राम किधर भाई साहब हाड़े से किधर है भीतर है बुलाओ हाँ बुलाओ बैठ जा सुना है के हाँ ये प्रीतम मारे ऐसा ही है कब आया और ठीक ठाक भाभी हाँ बिल्कुल ठीक बस तारी सुनाओ बढ़िया भाभी और राम राम भाई जी राम राम क्या है बढ़िया भाई सब अपनी बताओ दरमोद से के बात इसे लिया बतास दिखे तू तो भाई खेती बाड़ी का तो मेरा है जमींदार है काम में ऐसा हो है टाइम तो कौन लागे था इसमें ना परिता में पीछे लिए पास गली भी भूल जाए हमारे ना भाभी इसी बात को नहीं के बेरा बस जमींदार हम टाइम में कौन लग गया थाने बेरा है जमींदार है किसा काम हो ई फिर सुना को कराया बता दे तेरे भाई आ गया था न्यू मोहल्ले एक किम फसल बाड़ी बेची थी अच्छा इन्हें सोचे भाई का किम कर आऊंगा पूरा पूरा अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई किम दे दिया मैं कल किम ब्याज ब्योज बाद में देख लेंगा तू ये भला आदमी से ना रुपये देन और मरण वाली जगह तो कोई आवे ही कोई नहीं भाभी आप ही उनमें कौन है अच्छा समाज है यो सारी डाल का है इसमें अरे लोग मैं 10-10 साल के पीछे लटक रहे हैं प्रीतम के बताऊं ठीक से तू टाइम पर आ गया भाई साहब बात तो सही है व्यवहार तो लोग का रहा है कोनी ठीक है भाई क्यों बता के ले आया है ले भाई ये यह तो तेरी पूंजी ले गया था वो अच्छा पूरी गिन रखे हैं भाई
तू गिन ले भाई, मैं तो गिन के ले आया हूं। ना मैं तो तेरे भरोसा कर रखा, तो भरोसा कर रखा तो मैं पूरे ले आया हूं। और ये ले तेरा ब्याज। ब्याज? हाँ, 12,000 रुपये। 12,000? और क्या, 12,000 का क्या हिसाब होता है? हाँ प्रीतम, पीछे ले जाए कितने दिन हो गए? 12 महीने हो गए होंगे। फिर 12 महीने का 12,000 रुपये ब्याज कुकर हो गया। तो 2 रुपये सैकड़े था ना ले ही उसका कागज किससे? वो अमीन बहुत छोर अंदर रखे। अमीन बुलाओ। हाँ आइए एक बार। अरे इसका पर नोट लेके आइए भाई, वो लिखवा रखा था वो। ले आओ ले तो पकड़े के पर तेरा सामने बना रखा था। अच्छा हाँ, मैं आऊंगा तो ठीक से भाई, मैं तो अगली कलम लिख दूंगा। नहीं साहब तो जरूरी हो, ये तेरा हिसाब बन गया भाई 90,000 रुपये का। 90,000 का? हाँ, 50,000 रुपये नगद। हाँ 40,000 रुपये ब्याज। 40,000 रुपये ब्याज के किस तरह हो गए? सीधा हो गया भाई। किस तरह? क्या रुपये लगा दिए भाई? 2 रुपये। 2 रुपये सैकड़ों में 40,000 रुपये किस तरह हो गए भाई? समझाऊंगा तुम्हें। हाँ बताओ। एक महीने में क्या बट गए? एक महीने में 1,000 रुपये हुई। 1,000 हो गए? हाँ। 50,000 में 1,000 जोड़ दे, कितने हो गए? 51,000 हो गए। अगली बार 52,000 हो गए। अगली बार 53,000 फिर उनका ब्याज लगा। नौकर करा के सारा टोटल तेरा एक साल में 90,000 रुपये बने है। अरे तो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज भी कौन चल रहा है इस हिसाब से? तो 10 रुपये सैकड़े तो भी टप गए हो। तो 2 रुपये सैकड़े ला रखे है? 10 लाऊंगा 2 रुपये सैकड़े की तो या फिर 2 रुपये ला रखे है यो। और मेरी बात सुन, किन्नू पीछे और ले जा जरूरत हो तो। अरे तेरा प्लाट पड़े है ना, यो अमीन का नाम करवा दे, चेस की माँ का नाम करवा दे। भाई प्लाट तो मारे भी काऊ कौन ही, आंगन देना कौन? यो तो बिक लिया भाई। न्यू किस तरह बिक लिया? बिक लिया यो, ना तो 90,000 पी लिया। तू क्या करेगा प्लाट का फिर? क्यों भाभी, मेरे के बालक कौन ही? देख यो पर नोट सुन मेरी बात, तुम्हारे रुपये के भूडे से नहीं तो देना है। इतने दिन हो गए बरत देना, देना आया तो क्या था ये 12,000 पल्ली ब्याज की देना है। एक बात बता डटियो भाई साहब, एक बात बता, ई भाई साहब ने कहा था मारा रुपया 10-10 साल हो गया ले जाए, वो उल्टे को नहीं आए। और मैं 12 महीना लेके आ गया फिर भी तुम से किल्ला गाने दे रखे हमने, फिर बे हिसाब दे देना है तू तो किल्ला गाने दरवा रखे अगले के ब्याज समेत देना है। हूं ले यो ब्याज समेत है, सुन मेरी बात, छान भी करा अगला। ये तेरा गुठे है? हाँ गुठा तो है, दस्तक से ये देख रहा, देख लिए ये तो करके जा रहा हूँ। ये कोर्ट में ये तो सही भाई, वकील आप पे पूछ ले भाई क्या है पीछे कोर्ट में। भाई यो तो गलत काम कर रहा है, देख भाई गलत तन लगता है, हमने तो कौन लगता है गलत है भाई साहब। 10 रुपये सैकड़न कद लिए थे, 2 रुपये सैकड़न लिए होंगे। श्याणा इसने कह रहे हैं के घर तक साग दे और फिर फूड को आवे। देख लो भाभी इसमें भूए डाली कौन सी बात होगी, मेरा छोरा तर कह जागे ने। अरे लो लंगर के लो लंगर हो सह जद रुपया हम से ऊपर तना पड़ दे तो हम एक रुपया ले जाओ तो ब्याज दे भाभी। प्रीतम है क्यों गले पड़ रहे से? साहूकारा ब्याज पवन नहीं का हो से, उसके हिसाब से 9,000 रुपये बने से। 9,000 रुपये बने है? 12,000 रुपये ले हमने। ये और आया हिसाब भी। अरे बेटा मैं 12,000 रुपये देना रहे, तू 9 की बात करे फिर दिन का कौन ही भर रहा? मैं कौन भरे कौन ही निकाल? 42,000 रुपये क्या होगा ब्याज बने है? मिलते थे किसने कही थी बीच मान की? बीच में घर में घर ना कौन के मैं हम तो प्लाट लेवांगे। प्लाट देना कौन? प्लाट तो देना पड़ेगा, किस तरह देना पड़ेगा? ये पैसा पकड़ तेरा और दो आदमी इकट्ठा करके ना भाई। हाँ भाई, यो छोरा मेरा आ रहा है बिगनी है, और ना तेरी बोलने की इतनी हिम्मत कोनी हो ए। एक तो पीसी दिए तेरे ताई, ऊपर से तू आंख दिखाओ से, ये मतलब है तेरा? अच्छा काम कोनी करने लग रहे है यो? पता राम 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 राम। तुम क्या हाथ रहा है भाई? अरे के जिम मना आए छा तन को वेर आए छे दादा। अच्छा हां तो दादा हो लिया, दादा वाले रिश्ते ना तेना रखे छे ना। के बात रहे किनु घणी लंबी जबान हो रही है? तेरी जबान लंबी हो रही, हमारी कोनी हो रही? मेरी हो रही है। हां बाबू ये
हिसाब दिखाओ ही ना। ले यो हिसाब किताब कर ले, हमारी बहू ने सारा कर दिया सा। या चंद खुल जाएगी देख ले। का खा लिया मारा है खून चूसा का के। एक बात बताऊं, अनपढ़ था इसका मतलब यो कोनी। ओडे एक धन जब कर्जा लेने लगा था मेरे पास और बुड्ढा हो गया तू। कर्जा ना उतरा काले हट भी तेरे करे कमा कमा के ने। कर्जा तो जब ठीक है दादा जब तू तारण देगा मिनट मिनट में तो वो जोड़ उल्टा कर दे तू। देख तेनु का 7 लाख सर फलाना दगड़ा मारे 90,000 भी मारे लिखड़े से। हां मंगा हां हां बता बेटा। एक बार देख लेता हूं तरिया पढ़े लिखे सो बांध के तू रबणगा न्यायाधीश है बाबू। क्यों न्याय करने लाग रहा है? देख 90,000 रुपए इनके लिखड़े से जमा लूट खाए भाई। मैंने जिस हिसाब से उसे कर दिया हमने तो तन नहीं साहब जी साहब था ने उसा कर दिया किसी ने बुझ ले इनका बड़ापन का फायदा उठाया बुझ के ले रपिया तो ले गए हैं ये तो दादी मरनाज भी था हम तो तूड़ी तपड़ भी तारे छोड़ा था और मैं फिर दुकान पे मैं नौकरी करने लग रहा के सारे फिर हम खा गए। ओहो नाज बहुत घना था चार बोरी नाज के हुआ था पिपे पर भर भर ले जा तो इतने किल्ला में चार बोरी होया करे नाज कितना आए हो ई वहां मांगा था के तुम्हारे रुपया लौटा दिया ना थाने तसले बहुत से हम वो भी कर जाना हां लेबर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा दी ना जो तूने फरा बना रखा जयो तेरा पांडा कौन छुटगा क्या है भी मारे 90,000 रुपया लिखड़ा है और तेरा बहुत हो नजीब दे दी ना तो ब्याज लगेगा मार हम भी लगावांगे वे। अच्छा भाई अरे टाइम पे साथ दे तो आज हम धमकी दियो हो देखिए साथ नाली चोतरा बंद कर ले ई भी साहब मारा चल रहा है तू बीच में ना बोल ले ए बुढ़िया हां मधुए करते रुपया लेके तन सारे फ्री का खानी है सोके जब तक की किनारा आ जा भाई पड़ गए थे ए भाभी मैं भी किम कन आऊंगा कड़े जान की जरूरत कोनी तो तारा जो पैसा लिखड़े ने एक एक रुपया मैं दूंगा 5000 लिखड़ा और मारे मिलने तो ये हमने किसी बात करन लाग रहा है ठीक करन लाग रहा हूं जब 5 आदमी हम गम्मे यो दिखा दिया ने इज्जत थी गम्मे नु क्या ने बेरा के तो शराफत ते 90,000 रुपए दे दिए ना जेल में चक्की पीसन खातिर तैयार हो जे हां ठीक है भाई बेटा कड़े जाने की जरूरत कोनी ठीक से ठीक से भाई कर ले जे डाल तू करे वो डाल साहब चल बाबू तू हिसाब तो हिसाब की डाल होगा ठीक से भाई तेरे वाले पीस जो मन लेने ने लेने बना है कद बाबू करे इनका हिसाब राज बन मर कर ना आजियो अरे नीयत खराब है इसकी मैं 50 ले गया था बनुआ बना रखे नीयत खराब है फूल जी आगे लेने की टाल कर दी तू अपनी गाड़ी पकड़ चला जा अर सोमबीर थोड़ा सा तू समझदार लागस है इसका बेचारे का हिसाब करिए गरीब मार हमारी सारी टीम की तरफ तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी राम राम। बस स्टोरी आपने देख ली होगी घना अनपढ़ कुनबा हो ना उसका फायदा नहीं उठाया करे जुकर हमने उठा लिया अब फिर आखिरी में नतीजा क्या लिखड़ा करे बुराई का नतीजा बुराई लिखड़ेगा तो पहले सोच के चल रहे घना रुपया के चक्कर में ना रहे ब्याज का पड़ ब्याज पड़ ब्याज का सड़ ब्याज का आड़ ब्याज न्यू करके ना गरीब आदमी ने दबे जावे बंधवा मजदूरी वर्ग का काम हो जाए है भाई रुपये सब होना चाहिए हैं मेहनत मजदूरी सब करे हैं पर हिसाब से किसी का रुपये लो और देने वाला भी हिसाब से देवे तो अगला कर्जा तारण पे तैयार रहे और भाई फाइनेंस वर्ग का काम हो जाए तो फिर ना तो कर्जा उतरे आदमी मरे पंडा छुट्टे या तो शुक्र से मारा वो पढ़ी लिखी बहू आ गई तो हमारे दोनों परिवार आएंगे कान खुल गए नहीं तो हमें नुए कर्जा तले दबे जावर और नुए काम करवाए जावर। अरे भाई 100 बात की एक बात से पैसा देली सब कुछ रह रहेगा साथ कुछ नहीं जाना अच्छा व्यवहार करो सबका साथ अगर किसी ने लेन देन कर भी लिया तुम दया नहीं कर सकते तो भाई किसी ने कष्ट भी मत दो लालच बुरी बला है भाई इसी के साथ जय हरियाणा जय हरियाणा।